सबसे पहले मैं पीएचडी चैम्बर को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मुझे दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। अभी हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पर हैं, हमको आने वाले 5 साल के अंदर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और ये सब पूरा करना होगा तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और ये करते समय इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो रोजगार का निर्माण करना होगा। और जब तक ग्रोथ रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में नहीं जाएगी तो फिर उसका उपयोग भी नहीं होगा। गरीबी दूर होनी चाहिए, रोजगार निर्माण होना चाहिए, और इसीलिए जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बाकी देश के साथ जोड़ना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं। जो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर है उसमें से एक है हमारे इथिक्स, एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जो हम इथिक्स के रूप में उसको मानते हैं। दूसरी हमारी इकोनॉमी, जिसके बारे में विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और इसलिए आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इस देश के प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है। अब दिल्ली में मैं आपको प्रदूषण से मुक्ति देने का महत्व क्या समझाऊं, आप तो भुगत भुगी है। एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं अगर ऐसे ही पोल्यूशन चलता रहेगा तो उनका जीवन 10 साल से कम होगा। और ये पोल्यूशन में 40% पोल्यूशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसका मैं मंत्री हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 emissions एवरी ईयर, और हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि वी आर द नाउ 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। मैं जब मेरे पास ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सब्जेक्ट है, मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे। अभी 3 महीने पहले हमने जापान को सरपास करके हम तीसरे नंबर पर आए, अब पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर USA, तीसरे नंबर पर भारत है। और मैंने यह संकल्प किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर वी विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड एज ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब सब ब्रांड वर्ल्ड के हमारे आ गए हैं लगभग। मैं मर्सिडीज को लॉन्च करने के लिए गया था चाकड़ में, पुणे के पास, तो चेयरमैन आए थे वर्ल्ड के, उन्होंने मुझे कहा कि अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बनाने वाले हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया होगा। आज हमारे यहाँ ट्रक, हेवी मशीनरी, अभी JCB के चेयरमैन मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका में हम जो इंडिया से JCB बेचते हैं तो हमारे डीलर कहते हैं कि इंडिया का ही JCB भेजो, वो अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग लंबी छलांग मार रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री का साइज अभी 12.5 लाख करोड़ हुआ है और ग्रोथ रेट ऑफ व्हीकल 11% है। मैं मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तान को भगवान ने दो आशीर्वाद दिए, दो एक्सपर्ट आशीर्वाद मिले हैं। पहला आशीर्वाद है ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना, और दूसरा आशीर्वाद है पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना। और भारतीय दोनों कामों में बड़े मेहनत और ईमानदारी के साथ मिले हुए, तो इसलिए कमी नहीं है। तो अब स्वाभाविक रूप से ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए इन्होंने, और देश को, अपने भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू GST के रूप में ये इंडस्ट्री देती है। अब प्रॉब्लम यह है कि बायोफ्यूल में जाने के पहले हम इसकी प्रॉब्लम को हम समझें,
कि हमारा 85% ऑफ द फ्यूल ये इंपोर्ट है, जो फॉसिल फ्यूल है जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं। अब ये 85% जो आता है उसके कारण ये 16 लाख करोड़ है। आप समझ जाइए कि हमारे देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ अगर बाहर चले जाते होंगे तो देश के इकोनॉमी पर उसका क्या इंपैक्ट होगा। दूसरी बात, 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है। ये दोनों भी बहुत ही गंभीर विषय है और इसलिए आज हमें आत्मनिर्भर अगर बनना है तो पहली बात हमको फ्यूल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है और इसलिए टारगेट टू अचीव जो है वो नेट जीरो इमिशन बाय 2070 एंड टारगेट टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% ये हमने हमारे सामने रखा हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से ये टारगेट अगर हमको पूरा करना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इसका जो प्लान है वो हम सबको मिलकर तय करना होगा। पहली बात तो जैसे है कि हमारे देश में टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में है और उनका जो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो केवल 12% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22 से 24